दोस्तों बड़ा ही खूबसूरत दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। छोटा सा बच्चा है जो कावड़ लेके जा रहा है। देखिए दोस्तों हमारे सनातन संस्कृति के अंदर कितना प्यार है। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीर है जी। अच्छा वो बच्चा कौन है? भतीजा है जी मेरा। भतीजा है? कितनी उम्र है उसकी? उसकी उम्र है 10 साल। कहाँ से आए आप? हम माकड़ोला से। अच्छा तो वो बिल्कुल छोटा सा बच्चा है और इतना उसको इतनी खुशी? उसका मन है बाबू जी। अच्छा हाँ जी। ये कितना किलोमीटर चलोगे आप? 350। आप में इसमें कितना है कलश में वजन? इसमें बाबू जी 15-16 लीटर है जी। 15-16 लीटर सारा। दोस्तों जो निस्वार्थी होगा, जो इस वीडियो को शेयर नहीं करेगा, देखिए भोले के भक्त ऐसा मासूम बच्चा, देखिए मतलब आप इस वीडियो को देखते ही आपका दिल खुश होना चाहिए। आप देखिए एक प्यारा सा बच्चा है जो पैर में घुंघरू बांधकर और किस प्रकार से भोले का नाम लेते हुए चल रहा है। और ये बहुत ही खूबसूरत दृश्य मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हरिद्वार से कावड़ की यात्रा जो है चल रही है और भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए यहाँ से हरिद्वार से कलश के माध्यम से जल जो है लिया गया है। और देखिए यहाँ पर एक त्रिशूल भी लगाई है। और इनसे मैं बात करूँ, क्या नाम है बेटा? हैं पढ़ाई करते हैं आप? कौन सी क्लास में? पिछली बार आए थे आप या पहली बार? पहली बार। वाह वाह वाह, क्या बात है। देखिए दोस्तों बहुत ही खूबसूरत है। देखिए आप इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो को शेयर करके इनका हौसला अफजाई करें। और देखिए जो इनका कदम है वो रुकने के नाम नहीं ले रहे हैं। और बहुत ही प्यारा जो है ये दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। पूरी सड़क है वो भरी हुई है। देखिए यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है कावड़ कलश के माध्यम से लेके जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। और किस प्रकार से जो है भक्ति है, कितनी श्रद्धा है भोले के भक्त जो है हमारे। और देखिए बहुत सारे वीडियो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे जो है बड़ी बड़ी कावड़ भी आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से हैं। यहाँ पे माता जी है। माता जी कहाँ से आए आप? कैसे जी? अच्छा तो पहले कितनी बार लेके गए? 5 बार लेके, छठी बार है। अच्छा छठी बार है, क्या हाँ। बात है। कितना पैदल चलेंगे आप? 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर चलेंगे हाँ। क्या बात है। देखिए और बहुत ही खूबसूरत दृश्य जी आ रहा हूँ मैं। और देखिए दोस्तों यहाँ पर पूरी सड़क भरी हुई है यहाँ पे। और आज तो बारिश का मौसम भी था। बारिश का मौसम, अच्छा मौसम हो रहा है। हाँ जी हाँ जी, रोड के नाका। जी जी जी, क्या बात है। आप देखिए यहाँ पर भी जो है बहुत सारे शिवम बीकानेरी। यहाँ पे देखिए छोटा सा बच्चा है, इसको मैं बता रहा हूँ। देखिए बहुत ही गजब का यार ये वीडियो है और दिल खुश हो रहा है। भाई लोग मिले हैं। और जी जय बोलेगी, कहाँ से बता रहे? जय हो देखिए। जी 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 जी, गाजियाबाद से आए हैं। क्या बात है। देखिए जवान और बहुत ही स्टील की बॉडी है आपकी भाई। और आप ये लेके आए? वो आ गए हैं। आपका बाबा जी, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर जब भक्ति और आस्था का जब पारा हाई होता है ना, तब जो है ये इतना वजन उठाया जाता है। और कहीं ना कहीं भगवान शंकर का ही कनेक्शन मान लीजिए, एक आस्था और भक्ति का जो पारा है इस प्रकार से। देखिए ये जो जल है आप 2 तारीख तक चढ़ाओगे ना? हाँ जी 2 तारीख जी। क्या नाम है आपका? मेरा मानू त्यागी। मानू त्यागी भाई कहाँ से बता रहे हैं आप? गाजियाबाद से। जी पहली बार या पहले भी? पहले भी आए थे आप? एक बार। ये कितना किलोमीटर है यहाँ से गाजियाबाद? 200। कितने दिन की यात्रा रहेगी ये? 10 दिन में कर लेंगे आप। रोजाना कितना चलेंगे? 20 किलोमीटर चलेंगे आप। देखिए दोस्तों यहाँ पे आम इंसान जो है वो है पैदल नहीं चल सकता, लेकिन यहाँ पे आप जो है 1, 2, 3, 4, 5 और 5 इधर, यानी कि 10 जो है कलश के द्वारा जल जो है गाजियाबाद लेके जाएंगे। और इसमें वजन कितना होगा? वजन होगा इसमें 51 किलो है। 51 लीटर है इसके अंदर। देखिए और कुछ इस प्रकार से ये खूबसूरत दृश्य है। मैं आपको एक छोटा सा मासूम बच्चा आपने देखा होगा, इसमें भी एक भावना है। और इस वीडियो को शेयर करें और आपकी यात्रा मंगलमय हो। देख सकते हैं आप भाई मिले हैं, स्कूल में पढ़ने वाले ये बच्चे हैं। और कहीं ना कहीं इनकी भी जो है एक मनोकामना है, वो भी भगवान शंकर पूरी करें आपकी। और बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। जय भोले की। बहुत ही खूबसूरत वीडियो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। शिवम बीकानेरी। जी जी जी, आप देख सकते हैं यात्रा चल रही है। जय भोले की। बहुत ही खूबसूरत।